दिवसीय दौरे पर आए मुख्य कृषि अधिकारी कठुआ संजीव राय गुप्ता ने बन्नी के विभिन्न कृषि क्षेत्रों का दौरा किया। हाल ही में कृषि अधिकारी कठुआ के मुखिया के तौर पर पदभार संभालने के बाद संजीव राय गुप्ता का बन्नी में पहला दौरा था, तो वहीं इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि बन्नी क्षेत्र को शुद्ध जैविक कृषि क्षेत्र बनाने और किसानों की मदद करना विभाग की पहली प्राथमिकता है। कहा कि ऑफ सीजन में वेजिटेबल पोटैटो की प्रोडक्शन कर उनकी मार्केटिंग पर विचार किया जाएगा, जिससे यहाँ पर कृषि क्षेत्र की तस्वीर तो बदलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के किसानों की तकदीर भी बदल जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने पंच सरपंचों के साथ साथ विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बन्नी अपडेट के लिए हाफिज कुरैशी की रिपोर्ट। ये 3 दिन का दौरा था, जिसमें हमने दोनों तीनों जो हमारे जोन हैं, फतेहपुर, बनी और इनका हमने दौरा किया। और हमारा मेन फोकस है कि थोड़ा वेजिटेबल के अंडर जो है वो कवरेज ज़्यादा की जाए। कल एक मीटिंग रखी थी PRIs और स्टाफ मेंबर्स की, जिसमें रिस्पेक्टेड DDC मेंबर रीता ठाकुर जी भी शिरकत की और उन्होंने अपने सुझाव दिए। और हमने भी डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि बनी के हालात को और बनी के फार्मर्स को और उनकी अगर इनकम को हमें डबल करना है तो हमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स, पोटैटो, इनकी प्रोडक्शन और इनकी मार्केटिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, और जिसके लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसमें हम काम करेंगे। इसमें हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल जो कि हम मार्केट में अच्छे रेट्स में जाती हैं, आप देखते होंगे कि पठानकोट और कठुआ की मार्केट में भी कुल्लू से वेजिटेबल्स आती हैं, तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम मिनिमम 20-25% जो हमारा टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उसको ऑफ सीज़न वेजिटेबल में हम कवर करें। और यही एक रास्ता है जिससे फार्मर की इनकम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार हो सकती है। यहाँ पर आपने फार्मर के साथ मुलाकात की होगी, तो फार्मर्स का क्या कहना रहा, किस तरह की शिकायत या उन्होंने डिमांड्स की है? जी, PRI मेंबर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई, जिसमें डिफरेंट पंचायत से 10 से 12 सरपंचीज आए थे। उनकी शिकायत डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट को कोई शिकायत नहीं थी, अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि हमें वेजिटेबल जो है और जो राजमाश यहाँ की मेन क्रॉप है उसमें 1-2 प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं, जिनका हम कोशिश करेंगे इस बार कि एक ब्लॉक लेवल में एरिया लेके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए और KVK से भी रफ्ता करेंगे, जैसे साइंटिस्ट आके उस प्रॉब्लम्स को देखा जाए। एक गांठ सी आती है इंसेक्ट के कारण, उसमें देखेंगे, पिछले साल भी इसमें काम हुआ है काफ़ी, और इस साल भी हमने कोशिश करेंगे कि उस शिकायत को और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। टाइमली सीड्स को लेकर भी सर कुछ फार्मर्स कह रहे थे कि नहीं मिलता है। जी, ऐसा नहीं है सर, मुझे लगता है कहीं दूर दराज एरिया में यहाँ हमारी एक लिमिटेशन होती है कि इतने किलोमीटर्स या इतने लेवल में हम एक सीड स्टोर खोलते हैं, हमारी पूरी स्टॉकिंग और जो हाई एल्टीट्यूड है हमारे जिसमें मेज़ अर्ली सोन होती है वहाँ तक हमारी स्टॉकिंग पूरी यहाँ बनी में मेज़ और वेजिटेबल सीड्स सब हो चुकी है। कोई ऐसा सीड स्टोर नहीं है हमारा, सीड नहीं, सब जगह हमारा सीड पूरी तरह से है। फार्मर्स के आँख में क्या मैसेज रहेगा? यही हमारा मैसेज है, हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है 3 दिन में कि विभाग जो है वो आपके साथ है। हमारे ऑफिसर्स, एक हमने टूर प्रोग्राम बनाए हैं, ऑफिसर टाइम टू टाइम बनी इलाके के टूर करते रहेंगे। अभी भी हमारा EKYC और सॉयल हेल्थ कार्ड पे एक प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद हमारे SDO साहब नीचे SMS और मैं खुद फ्रीक्वेंटली टूर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि फार्मर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी तरक्की के लिए हम कार्यरत रहें। बन्नी में पहली बार खुल गया है ऐसा स्कूल जो रखे आपके मासूम का पूरा ख्याल। माई छोटा स्कूल, जहां आपके छोटे मासूम की पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के लिए अनेक चीजें भी उपलब्ध है। आपके बच्चे यहां खेलने के साथ साथ हर प्रकार की अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। आपके नन्हे मुन्ने पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान।
तो एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8492042998 या फिर 9596448 34 पर।